आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अमरोहा में जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के डीएम बीके त्रिपाठी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयोजन में कई अधिकारियों और अतिथि ने भाग लिया। वही इस दौरान पीएम मोदी का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस निवेश कुंभ में व्यापारी छात्र छात्राओं के साथ समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, जो इन्वेस्ट महाकुंभ ये लखनऊ में मनाया जा रहा है, इसी क्रम में जनपदों में इन्वेस्ट कुंभ मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए। उसी क्रम में अमरोहा में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कुंभ की तैयारी की थी। इसमें माननीय एमएससी साहब श्री ढिल्लो जी मुख्य अतिथि भी रहे। इन्वेस्टर्स भी काफ़ी सारे आए थे और छात्र भी आए थे, जिन्होंने इसको सुना। और इस समिट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुना, जो कि हमारे प्रदेश को, देश को आगे ले जाने के लिए एक क्या हमारा रोड मैप है और कैसे ले जा रहे, इसके बारे में जानकारी भी दिया, सबको जानकारी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम बुलंदशहर पहुंचे, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और कहा कि प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी बात कहा कि भाजपा सरकार झूठ के दम पर सत्ता में है। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है, देश में महंगाई चरम पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार लगातार झूठे वादे कर लोगों को भ्रमित कर रही है। श्रीनगर में लाल बाग चौक पर समाप्त हुई है। सबने देखा, 5 महीने से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक पैदल चल करके लगभग 3,500 किलोमीटर पहुंचे हैं। उनका एक ही नारा है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए भारत को मजबूत करने के लिए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। अब उन्होंने एक नारा दिया है, 60 दिनों तक कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गांव-गांव जाएं, गली मोहल्लों में जाएं, लोगों को समझाएं कि कांग्रेस से अगर कोई गलती हुई है तो राहुल गांधी जी बार बार उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप सब कांग्रेस से जुड़िए। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव रायबरेली पहुंचे, जहां सपा नेता ने पार्टी के विधायक राम सिंह पटेल के आवास पर कार्यकर्ताओं से भेंट की और हत्या के आरोपी आरपी यादव के जेल ट्रांसफर होने पर कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट की सच्चाई का पता बाद में चलेगा। देखिए, आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर, वैसे तो कल ही मैं निकला था यहाँ से, आज हमारा यहाँ पर था जेल में मिलाई करना आर पी यादव से और जो भी यहाँ पर बंद थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, झूठे केसों में जो फंसाए गए हैं उनसे मिलाई करना था। हमने 2 दिन पहले डीएम को पत्र लिख भी दिया था, हम मिलाई करेंगे, लेकिन कल पता चला, आप लोगों के ही माध्यम से पता चला, जबकि मैंने डीएम को, जेल अधीक्षक को भी पत्र लिखा था, उनकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया गया। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ पुलिस ने जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जाजमऊ इलाके में हिलाल कंपाउंड को सील किया गया है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी गैंग के शौकत पहलवान ने हिलाल कंपाउंड बनवाया था, जिसके बाद पुलिस ने एक साथ शौकत पहलवान की 3 संपत्तियों को सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति सील की गई है।
खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रायबरेली में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। यहां जीआईसी ग्राउंड में विशालकाय स्क्रीन पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण लगातार जारी रहा। इस दौरान यहां बनाए गए विशाल पंडाल में अधिकारियों और इन्वेस्टर्स के अलावा आम लोग भी भारी तादाद में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस समिट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो रहा है, उसी के अंतर्गत जनपद रायबरेली में भी लगातार 10 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आज उसकी शुरुआत यहां पर हुई है, जिसमें हम सब ने बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अन्य सभी लोगों का संबोधन सुना, और उसके साथ साथ हम लोग इस अवसर पर बहुत गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं। जब उद्यमी बढ़ चढ़कर न सिर्फ प्रदेश सरकार के नीतियों में विश्वास दिखा रहे हैं, बल्कि इस जनपद की व्यवस्था में भी उनको विश्वास है, जिसके तहत उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर निवेश किया है। और हम लोग सब पूरे प्रयासरत हैं कि जो इंटेंट आए हैं उनको हम लोग धरातल पर जल्दी से जल्दी उसे उतारें, और उनकी उद्यमियों की जो भी समस्याएं हों, जो भी दिक्कतें हों, उनको समय समय पर दूर कराने में कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। इसी मंशा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। हमीरपुर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन्वेस्टर्स के साथ बैठक कर जिले में निवेश पर चर्चा की गई। साथ ही कई इन्वेस्टर्स ने जिले में निवेश करने की सहमति भी जताई है। हमीरपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम सभागार में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत जनपदीय स्तरीय निवेश कुंभ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया, जिसमें पहुंचे हुए इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा कर जिले से ज्यादा निवेश करने पर जोर दिया गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम था, इसका मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में देश और विदेश के तमाम इन्वेस्टर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम और उसका प्रसारण भी हम लोगों ने किया, और जनपद में जो लोग भी हमारे निवेशक थे उनको भी बुलाया गया और उन लोगों को सम्मानित भी किया हमने, और उन लोगों से MOU भी यहाँ कराया, और इसी अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगी, जिसमें जो भी हमारे यहाँ के निवेशक हैं सबने अपना अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया। प्रयागराज के बहादुरगंज स्थित मस्जिद में नमाजियों के नमाज पढ़ने के बाद तुर्की और सीरिया में भूकंप से मृत लोगों के लिए संवेदना प्रकट की गई और पीड़ित लोगों के लिए जुमे की नमाज के बाद दुआ मांगी गई। वहीं कांग्रेसी नेता इशाद उल्ला ने कहा कि तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा से भारी जनहानि और संपत्ति को नुकसान हुआ है, इसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, साथ ही खुदा से दुआ करते हैं कि पीड़ितों को सब्र करने की ताकत दे। जो तुर्की और सीरिया में जो आपदा आई है, प्रकृति आपदा आई, जिससे काफ़ी लोग की जानें चली गई, उनके लिए दुआ किया है, उनके जान माल की जो हानि हुई है, जो उनका नुकसान हुआ, उसके लिए भी संवेदना प्रकट किया है, और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के दुआ किए कि वहाँ पे जल्द से जल्द जनजीवन जो सामान्य हो, वहाँ पे जो इतनी बड़ी आपदा आई है प्रकृति, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो भी है हम लोग यहाँ से उनके लिए दुआ करते हैं कि वहाँ पे उनको अल्लाह सब्र दे और वहाँ पे सीरिया को और तुर्की को फिर वैसे ही मजबूती से खड़ा करे ताकि वहाँ के हालात। हरदोई में SP राजेश त्रिवेदी ने मंचला थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। SP ने सलामी के बाद समीक्षा की, थाने पर रखे सभी असलहों को चेक भी किया, साथ ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस दौरान सैनिक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया। रायबरेली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया, किसी भी प्रकार का उत्पात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर RFF टीम, CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। रूटीन रूट मार्च है समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सौहार्द आपसी बना रहे, इसी को लेकर के RF के लोग आए हुए हैं, जिनके साथ आज कस्बा लालगंज में और सरेनी में जो है रूट मार्च किया गया है।
फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य थीम स्टेट के रूप में शामिल हुए हैं, जहां पर 8 राज्यों के हस्तशिल्प कलाओं का स्टॉल लगाया गया है। लेकिन जहां ये स्टॉल लगी है वहां पर एक भी शौचालय नहीं है, जिसके चलते शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए लगभग 600 मीटर दूर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उन्हीं स्टॉलों में एक स्टॉल लगाने वाले हस्तशिल्प कलाकार हैं राजू तुमंग, जिनकी स्टॉल के पास एक हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा लगाया गया शौचालय तो है, लेकिन वह चारों तरफ से बंद है। वॉशरूम कहाँ है वो भी इरोसिन का, तो इरोसिन भी नहीं है। और सेकंड जो राजू टुमंग वो तो विकलांग है, उसको व्हील चेयर में धकेल के ले जाना होता है, तो ऊपर नीचे कराने में दिक्कत होता है। और जो स्टॉल है, स्टॉल से 600 मीटर जैसा दूर है। 600 मीटर दूर। जी भीड़ भाड़ भी बहुत होता है, कि भीड़ की वजह से भी उसको ढकेलना, ले आना जाना बहुत टाइम भी लगता है। स्टॉल छोड़ के जाना होता है, तो कस्टमर भी उसी की वजह से छूट जाता है कभी कभी। देखिए, सुविधाएं जो सिस्टम बना रखा है वो तो अच्छा ही बना रखा है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे मेरे को भी टॉयलेट की ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट में मेरे को जाना है, क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। जब होता है तो बहुत जल्दी से मेरे को जाना पड़ता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, टॉयलेट बना हुआ है मगर वो बंद है। लेकिन हरियाणा टूरिज्म का टॉयलेट आपके पीछे ही है, ये जहाँ खड़े ना लॉक है। कुछ लोगों ने और भी ट्राई किया है मगर खुल नहीं रहा। चार दस बंद है, खोलने का कोई जगह नहीं है। खोलने की कोई जगह नहीं है, डब्बा खड़ा करा हुआ, डब्बा 100 पीस बना दिया है खाली, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। कह सकते हैं, हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें मुझे ये भी बताना चाहिए, हो सकता है कि इसको इसके अलावा कोई अच्छा नहीं कराओ, कि पिछले मेले के टाइम पे किसी ने लगाया हो, टेस्ट के तौर पे लगाया हो, किसी कंपनी का नाम दिया हुआ, हो सकता है उनको आगे इसका प्रोत्साहन ना मिला हो या पेमेंट नहीं मिला हो। मुझे लगता है मैं थोड़ा और खोज करूँगा, जबकि बात यह है कि उस उम्र में आप जानते हैं सर्दियों के टाइम में अगर आप टॉयलेट ढूंढ रहे हैं तो आप बच्चा है, महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। है कि मैं थोड़ा सा तो सफ़र किया, अब मुझे ना ये मार्किंग दिखी, पर आई एम वेरी श्योर मैं ये कई दूर टंकियाँ दिख रही हैं, पर वो जो VIP इंक्लोजर है उसके पीछे दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं पहुँचवाऊँगा वहाँ। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर अमेठी के संतों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर के महंत अश्वनी जी महाराज ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने मीडिया में बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को संत समाज में आकर शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, नहीं तो जिस पार्टी में जाएंगे उसका नाश कर देंगे। राजनीति से हटकर अध्यात्म की पढ़ाई करें, और अगर नहीं करना चाहते तो हमारे संत समाज की बुराई करना बंद कर दें, नहीं तो संत समाज उनके लिए ऐसा आंदोलन करता रहेगा। मैं महंत दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर कोठीपालपुर जगदीशपुर का महंत हूँ, और जिस प्रकार से इस समय राजनीति में हमारे सनातन धर्म को लेकर के नाना प्रकार से नेता लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बाबा जी ने कहीं भी मानस में कोई ऐसी चौपाई का उल्लेख नहीं किया कि मानव के जीवन में ग्रहण करने योग्य ना, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इसका अर्थ ये भी कोई नहीं समझ पाया हमको लगता। और हमको तो कहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद को किसी संत समाज में बैठ करके अपना एक स्कूल ग्रहण करना चाहिए, एक गुरुकुल में जाकर उनको पढ़ाई करनी चाहिए। अम्बेडकर नगर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। बता दें कि गांव के बाहर सड़क के किनारे गेहूं के खेत में 2 दिन की लावारिस नवजात बच्ची को किसी ने फेंक दिया, जिसकी सूचना मिलने पर महिला कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंची, बच्ची को अपने कब्जे में लेकर CSC में भर्ती कराया और उच्च अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी। क्या मामला है? मामला यह है कि आज सुबह करीब 11:30 बजे ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि एक नवजात शिशु जो लावारिस हालत में रोड के किनारे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हमने थाने से फोर्स लेकर महिला कांस्टेबल लेकर जाके मौके पर देखा तो एक लड़की है, करीब 1 या 2 दिन की होगी, कपड़े से ढकी हुई थी, ग्रामवासी वहाँ मौजूद थे, उसको लेके उच्च अधिकारीगण को सूचना देते हुए मौके पर मेडिकल कॉलेज में लाया हूँ, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, उसके बाद भी कार्रवाई की हूँ। का
कानपुर में कई शैक्षिक संस्थानों को चलाने वाली मुस्लिम एसोसिएशन संस्था का विवादों से नाता नहीं टूट रहा है। पिछले कई सालों से लगातार कभी मुकदमेबाजी में तो कभी शैक्षिक संस्थानों के मैनेजमेंट में झगड़े का विवाद प्रशासन के बीच पहुंचता रहा है। मुस्लिम एसोसिएशन के महासचिव हाजी अब्दुल हसीब ने एसोसिएशन की ओर से चलाए जा रहे हलीम इंग्लिश स्कूल पर आरोप लगाया है। उन्होंने मैनेजर, प्रिंसिपल और स्टाफ के कई लोगों पर 8 करोड़ के गबन का आरोप लगाया है। जैसा कि आपको पहले भी हमारे साथ घटना हो चुकी है और इस बार भी ये एहसास था कि अगर हमारी मैनेजमेंट वहाँ जाएगी तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, तो हमने हमेशा से शासन प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेकर ही यहाँ पर काम करने के लिए सोचा था। और कमिश्नर साहब ने उसमें स्टेप भी लिया काफ़ी सोच समझने के बाद। बाकायदा दो बैठकें भी बुलाई अधिकारियों की और उन्होंने हमें सुरक्षा भी प्रदान की, चमनगंज पुलिस लेकर भी गई, लेकिन नाकामयाब रही और हमको काम करने के लिए। हमीरपुर में 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाइक से 3 लोग सवार थे, वो जा रहे थे, सड़क दुर्घटना में किसी अज्ञात वाहन द्वारा उनको टक्कर मारी गई। मौके पे ही 1 लोग की मृत्यु हो गई और 2 लोग जिला चिकित्सालय हमीरपुर की इमरजेंसी में लाए गए हैं। जो मृत व्यक्ति हैं उनका पहचान राजेश कुमार पुत्र प्रताप कुमार 23 वर्ष कोटरा मकरंदपुर घाटमपुर कानपुर नगर के बताए जा रहे हैं और जो 2 लोग लाए गए हैं उसमें 1 लोग ठीक हैं, 1 लोग को सर में गंभीर चोटें हैं, उनको कानपुर हेलेट। औरैया में ओवरब्रिज के पास आलू से भरा ट्रैक्टर जा रहा था। बस ड्राइवर ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी है जिसमें ट्रैक्टर हाईवे पर पलट गया और बस सीधा डिवाइडर से टकरा गई। बस के टकराने पर बस के ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए सैफई रेफर कर दिया है। उनको लोगों को प्राथमिक उपचार किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद में रेफर किया। फरीदाबाद में छात्र की हत्या के मामले में आज गांव वासियों ने कमिश्नर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। साथ ही आरोपियों को पकड़वाने वाले को 50,000 इनाम देने की बात कही है। सुनो, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो हर सिविल का आदमी के पास पुलिस की पावर है उसको अरेस्ट करने की। अगर कोई कहता है भी घर में रुक रहे हैं तो पुलिस को भी फ़ोन कर सकता है, वो बता सकता है और खुद भी पकड़ सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस ने तो सबके दरवाजे, जितने दरवाजे हैं सब तोड़ के देखे हैं, एक एक दरवाजा जो बंद है उसको तोड़ के पूरा चेक करके सब कुछ करके देखा है। जो भी पुलिस के पास फुल पावर है, हमारे पास बहुत सारी जो पावर्स हैं सारी हम फुली यूज़ कर रहे हैं और उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अगर कोई भी इनको पनाह देगा तो 100% वो हवालात के सलाखों के पीछे होगा। बुलंदशहर में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हार्डवेयर की 3 दुकानों में छापेमारी की है। छापेमारी में पुलिस ने लाखों के डुप्लीकेट पाइप बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लिखित शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसकी पूरी मात्रा अभी हमें मालूम नहीं है, काउंटिंग चल रही है। ये मामला ये है कि कॉपीराइट एक्ट का मामला है। ये डुप्लीकेट पाइप बेच रहे थे, ऐसी खबर मार्केट में थी। हमारे कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे कंपनी के और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने खबर दी कि साहब हमारा असली माल कोई लेता नहीं है क्योंकि नकली माल धड़ल्ले से बिक रहा है, जो कि आम आदमी की सेहत के लिए भी बहुत ख़राब है। क्योंकि ये लोग जो हैं फूड ग्रेड का प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं, ये केमिकली अनफिट मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे इससे पानी पीने वाला बीमार भी हो सकता है, उसे कैंसर भी हो सकता है। 10 साल
कुशीनगर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरों के पास से कई जरूरी सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर चोरों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कोतवाली, थाना खड्डा, हनुमानगंज, जटा बाजार, सर्विलांस, साइबर टीम और स्वाट टीम ने मिलकर एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय चोरों और नकबजनों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम विकास, राजन, निकेश और भोला है। इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जनपदों में इन्होंने चोरी की घटनाएँ कारित की हैं। इनके पास से 18 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं, 30,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 6,00,000 रुपए से अधिक के गहने बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अलग अलग जगहों से चोरी किए थे। साथ ही साथ घटना में जो प्रयुक्त इनके द्वारा उपकरण है, चोरी के उपकरण है, वो भी बरामद किए गए हैं। और इनके पास से 4 अवैध तमंचे की भी बरामदगी की गई है। एक तरफ दहेज के लिए लोभियों पर शिकंजा कसने का सरकार दावा करती है, तो दूसरी ओर दहेज लोभी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला फिरोजाबाद से सामने आया है। आपको बता दें कि यहां दुल्हन सज धज कर दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि उसकी शादी होगी, लेकिन शादी की खुशी गम में तब बदल गई, क्योंकि यहाँ दूल्हा बारात लेकर तो आया है लेकिन बारात छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कोई घटना नहीं, पैसा उनका सिर्फ पहुंचेगा केवल। कितना रुपया दिया है आपने? पैसा 22,00,000। 22,00,000 क्या हुआ शादी पर क्यों नहीं? शादी में स्कॉर्पियो चर्चा सुनी है, खुल के सुने स्कॉर्पियो मांग रहे थे। स्कॉर्पियो मांग रहे जी। अब शादी हो गई आप? क्या हुआ फिर शादी में? शादी होती रही, जयमाला कार्यक्रम है उनके, और खाना खा हुआ लड़का ने, खाना खा करके सोई, पता नहीं सोई निकल गया, भाग गया, भाग गया। शादी नहीं हो पाई है? शादी हम अपने भात में रहे, हम भात पे उठा दोनों फेरे वेरे नहीं हुए सुबह। कानपुर में लगातार मोबाइल लूट की घटना बढ़ने के बाद पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो तेज रफ्तार बाइक से लोगों के मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते थे। इन लुटेरों को बैंक ओपन की पुलिस और एसओजी की टीम ने पकड़ा है। डीसीपी वेस्ट विजय धुन ने बताया कि पुलिस टीम को इनकी कई दिनों से तलाश थी। इनके पास से मोबाइल फोन और एक देसी कट्टा बरामद हुई है। थाना पनकी क्षेत्र में और आसपास के थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में मोबाइल छिनैती की कई घटनाएं हुई थी, जिस पर हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसका यूज़ ये मोबाइल स्नैचिंग में करते थे, और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें 2 मोबाइल फ़ोन फिलहाल अभी तक कनेक्ट हुए हैं, जो कि इनके द्वारा कल्याणपुर से छीने गए थे। इस संबंध में थाना कल्याणपुर पे अभियोग पंजीकृत है और जो वादी है उनके द्वारा भी अपने मोबाइल को पहचाना गया है। हरदोई में नगर के 52 रोड पर आंखों के सामने एक मकान गिर गया। बता दें कि मकान के पास बेसमेंट खोदा जा रहा था, जिसको लेकर परिवार ने आपत्ति जताई थी, लेकिन खुदाई का कार्य बंद नहीं हुआ तो वहीं घर का पूरा सामान मलबे में दब गया है। वहीं बेसमेंट की खुदाई करने वाले मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। साथ ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मकान ढह गया है, मेरा सारा सामान आल सब पड़ा हुआ है, हम ही लोग सिर्फ उधर पैसे सामान वैसे या मार्कशीट मेरा आल फॉर्म वगैरह सब पड़े हुए थे, मेरा सारा सामान उसी में आल सामान मार्कशीट वगैरह पड़ी हुई सब। कौन था ये, क्या करवा रहे थे ये मकान? बता रहे थे देख के बनवाना चाहिए था, जस्ट बिल्कुल पास ही सर ने बेसमेंट क्यों कराया, ये देख लेना कोई फैमिली रह रही है उसमें, बिल्कुल पास में ही बेसमेंट होना है, देख लेना चाहिए। मुझे जस्ट तुरंत आवाज लगाई उन्होंने, हम भी लोग उधर पर सारा सामान मेरा उसी में पड़ा हुआ है। देखिए अभी जो पता लगा है कि अजय प्रताप सिंह का ये दुकान थी, उसके ऊपर एक किराएदार भी रहते थे, उसी के बगल में एक सुरोज त्रिवेदी नामक व्यक्ति बेसमेंट खोद रहे थे। मकान लगता है ठीक से नहीं बना था, उस बेसमेंट की खुदाई की वजह से आज ये गिर गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है, उसमें कोई मौजूद नहीं था। अभी हम लोग इसको प्रयास करेंगे जल्दी से इसका जो भी बलवा है हटा कर किराएदार का सामान उनको मिल जाए। और आया
बताया कि एरवा कटरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बता दें कि एरवा कटरा में प्राथमिक विद्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाकर मिड डे मील में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, गैस सिलेंडर समेत सभी सामग्री चोरी कर ली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सचिंद्र मोहन शुक्ला सुबह स्कूल होते तो नजारा देखकर दंग रह गए। तो वही सीसीटीवी फोटो में चोर चोरी करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद तहरीर के आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। आज सुबह जब मैं स्कूल आया तो गेट खोल के जब मैं अंदर आया तो देखा कि रसोई का ताला चोरों ने रात में तोड़ दिया था और उसमें सेंटर लॉक लगा हुआ था, सेंटर लॉक भी तोड़ दिया। उसमें रखा हुआ सामान, सिलेंडर, भगोने, थाली, गिलास, सारी चीज़ें, गेहूं, चावल सब ले गए। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।